आकली ऑटो टॉक्स की एक और नई वीडियो में दोस्तों आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो कंपैरिजन के ऊपर में रहने वाली है। कंपैरिजन हम कर रहे हैं मारुति की दो गाड़ियों का, ब्रेजा और फ्रॉन्क्स का। वेरिएंट रहेगा दोनों का सबसे बेस वेरिएंट, फ्रॉन्क्स का सिग्मा वेरिएंट एक्सशोरूम में जो कॉस्ट करता है सबसे बेस 7,46,500 और ब्रेजा का सबसे बेस एलेक्साई कॉस्ट करता है 8,29,000 रुपए। तो डिफरेंस निकल के आता है दोनों में, अगर एक्सशोरूम टू एक्सशोरूम कंपेयर करते हैं वो 82,000 रुपए का। 82,000 रुपए ब्रेजा महंगी है, तो ब्रेजा में 82,000 रुपए देना वर्थ इट रहेगा या नहीं रहेगा, क्या एक्स्ट्रा चीजें ऐसी जो यहाँ उसमें दे रखी हैं वो भी फटाफट से आपको पता लग जाएगा। तो प्राइस का डिफरेंस आपने देख लिया, वहीं अगर मैं अब बात करता हूँ फटाफट से जो है यहाँ पे कंपैरिजन रहेगा डायमेंशन की, अगर आप बात करते हैं दोनों ही अंडर 4 मीटर की जो यहाँ पे लेंथ में आती है, विड्थ भी ऑलमोस्ट समझिए यहाँ पे सेम टू सेम है, लेकिन जो डिफरेंस है वो ज्यादा जो है हाइट में देखने को मिलता है ब्रेजा में। ब्रेजा हाइट में फ्रॉन्क्स के कंपैरिजन में जो है लगभग जो है 12 से 13 सेंटीमीटर ज्यादा बड़ी है। तो हेडरूम जिनके अगर जो है घर में ज्यादा लंबे लंबे लोग हैं तो उन्हें हेडरूम जो है अगर अच्छा चाहिए तो वो ब्रेजा ले सकते हैं। तो एक ये चीज ब्रेजा हाइट में थोड़ा आगे निकल जाती है। ग्राउंड क्लीयरेंस की बात करें लगभग दोनों में सेम टू सेम है, फ्रॉन्क्स का 190 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस है और जो है ब्रेजा का 198 mm का, तो थोड़ा सा ग्राउंड क्लीयरेंस ज्यादा ब्रेजा का रहेगा। व्हील बेस ये ऑलमोस्ट सेम टू सेम यहां पर मिल जाता है, एक का 2500 है, एक का 2520 mm का। बूट स्पेस की भी बात कर ही लेते हैं तो 308 लीटर का फ्रॉन्क्स का बूट स्पेस है और वहीं जो है ब्रेजा का बूट स्पेस 328 लीटर का रहता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा ब्रेजा का यहाँ पे बूट स्पेस रहेगा। बाकी अगर मैं वेट की बात करता हूँ तो देखो वेट में कव वेट में जो है यहाँ पर थोड़ी भारी ब्रेजा रहती है, लगभग 1100 kg का कव वेट है इसका, और फ्रॉन्क्स की बात करी जाए तो 950 से जो है 1000 kg का फ्रॉन्क्स का जो है वेट रहता है। तो वेट के हिसाब से थोड़ी भारी ब्रेजा है, तो सेफ्टी भी यहाँ पे 4-स्टार रेटिंग इसकी जो है ब्रेजा पहली वाली को मिली थी, तो ये ब्रेजा भी थोड़ी सेफ है। लेकिन फ्रॉन्क्स का अभी टेस्ट नहीं हुआ है तो उसकी हम कुछ कह भी नहीं सकते। ग्लोबल एनकैप में ब्रेजा को 4-स्टार रेटिंग मिली हुई है, तो ये आपको पता लग गए होंगे। अब थोड़ा बहुत डायमेंशन का आपको मैंने बता दिया, ब्रेजा थोड़ी बड़ी रहेगी। और अब इसके बाद फीचर्स जरा चेक करते हैं। सबसे पहले फ्रंट लुक देखें दोनों का, आपको साइड बाय साइड देखने को मिल रहा है। आप मेरे को बताएंगे डिजाइन लुक के हिसाब से आपको कौन सी अच्छी लग रही है, फ्रॉन्क्स अच्छी लग रही है या फिर जो है ब्रेजा अच्छी लग रही है। अब बेस वेरिएंट हम कंपेयर कर रहे हैं। सबसे पहले फ्रंट आप देखेंगे तो यहाँ पे हेडलैम्प्स का जो सेटअप है यहां पे दोनों में ही आपको हैलोजन प्रोजेक्टर में हेडलैम्प्स दिए जाते हैं। ऊपर जो है यहां पे इंडिकेटर और पार्किंग जो है यहां पे लाइट वो जो है आपका जो है पोजीशनिंग वो जो है आपका फ्रॉन्क्स में मिलती है, लेकिन ब्रेजा का हेडलैम्प्स में ही आपको जो है यहां पे इंडिकेटर उसकी पोजीशनिंग आपको देखने को मिल जाएगी। ग्रिल का दोनों का अलग डिजाइन रहता है, थोड़ा थोड़ा क्रोम का वर्क दोनों में दिया गया है। फ्रंट स्किड प्लेट वो जो है आपकी फ्रॉन्क्स में रहेगी। तो फ्रंट प्रोफाइल आप देख रहे हैं दोनों की, साइड प्रोफाइल की ओर आते हैं तो साइड से आप देखेंगे तो जो रूफ रेल्स है वो जो है ब्रेजा में नहीं देखने को मिलती है, ये आपकी जो है फ्रॉन्क्स में लगी हुई आपको देखने को मिलेगी। ORBMs जो आप देख रहे हैं ये ब्लैक मैट में आपका जो है फ्रॉन्क्स में रहता है, डोर हैंडल्स भी ब्लैक मैट में रहेंगे। लेकिन ब्रेजा के अगर आप जो है डोर हैंडल्स और जो है यहाँ पे ORBMs देखते हैं तो उसी पे इंडिकेटर आपका जो है ब्रेजा का रहता है और बॉडी कलर के ही जो है यहाँ पे ब्रेजा के डोर हैंडल्स और जो है ORBMs रहते हैं। और ORBMs इलेक्ट्रिकली एडजस्ट हो जाता है, ब्रेजा का फोल्ड मैनुअली होगा लेकिन जो है फ्रॉन्क्स का हाथ से ही फोल्ड करना है, हाथ से ही एडजस्ट करना है। साइड फेंडर पे इंडिकेटर जो है फ्रॉन्क्स का दिया गया, जिससे कि फिर थोड़ा सा जो है वेरिएंट एक तरीके से बेस वेरिएंट लगता ही लगता है दिखने में, लेकिन ब्रेजा का एक बार को कोई सामने से देखेगा तो ये नहीं पहचान पाएगा कि ये बेस है या जो है सेकंड बेस। तो इस तरीके से जो है यहाँ से साइड प्रोफाइल दोनों में रहती है। टायर प्रोफाइल की भी बात कर लेता हूँ, टायर प्रोफाइल दोनों में 16 इंच की रहती है, 16 इंच के दोनों में स्टील रिम लेंगे, लेकिन थोड़ा सा चौड़ा टायर ब्रेजा का रहता है, 215 सेक्शन का, 195 सेक्शन का वो जो है आपका देखने को मिलेगा फ्रॉन्क्स का। तो ये आपको थोड़ा बहुत पता लग गया होगा जो है साइड प्रोफाइल का। रियर सेक्शन की ओर चलते हैं तो रियर में शार्क फिन एंटीना आपको जो है पीछे स्पॉइलर दोनों में मिल जाता है, लेकिन जो डिफॉगर है पीछे वाली विंडशील्ड पे वो सिर्फ आपका जो है फ्रॉन्क्स में देखने को मिलेगा, ब्रेजा में नहीं मिलता है। और रियर टेल लैंप्स दोनों में एलईडी में रहती हैं, लेकिन डिजाइन आप मेरे को बताएंगे फ्रॉन्क्स की टेल लैंप्स अच्छी लगी या आपको जो है ब्रेजा की। और रिवर्स पार्किंग सेंसर दोनों में मिल जाएंगे। अब जो है यहाँ पर इंटीरियर सेक्शन की ओर चलते हैं तो ड्राइवर साइड में चारों पावर विंडो यहाँ पर जो है मिली जाती हैं दोनों ही गाड़ियों में, और साथ ही साथ ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट वाली जो है नहीं मिलती है फ्रॉन्क्स में भी और ब्रेजा में भी नहीं मिलेगी। दोनों में ही 2 सेंटर रिमोट लॉकिंग चाबियां मिल जाएंगी। साथ ही साथ जो है इंटीरियर आप देख रहे हैं, इंटीरियर ना थोड़ा कलर डुअल टोन कलर आपका जो है फ्रॉन्क्स का रहेगा। यहां पर डोर पैनल्स भी डुअल टोन कलर में, डैशबोर्ड लेआउट भी 3 से 4 टोन में आपको मिलेगी, लेकिन ब्रेजा का पूरा इंटीरियर ब्लैक रहता है। स्टीयरिंग दोनों का सेम टू सेम दिया गया है, मीटर कंसोल भी सेम टू सेम है, और बाकी जो है कोई भी टच स्क्रीन आती नहीं है बेस वेरिएंट में। लेकिन जो एसी है,
एसी जो है ब्रेजा का नॉर्मल है और फ्रॉन्क्स का जो है ऑटोमेटिक एसी दिया गया है। बाकी 12 वोल्ट का सॉकेट वो तो मिलेगा ही मिलेगा, ऊपर डेनड आईआरवीएम आपका जो है यहाँ पर मिल जाता है। और साथ ही साथ ऐसा है कुछ आपका जो है फ्रंट, अब जैसे ही रियर सेक्शन की ओर आएंगे तो रियर की पीछे की सीट जो है 60-40 जो स्प्लिट वाली है ना वो आपको जो है फ्रॉन्क्स में मिलती हैं, लेकिन बेंच फोल्ड आपकी ब्रेजा में मिलेंगी। एडजस्टेबल तीनों जो है यहाँ पर हेडरेस्ट आपको जो है पीछे फ्रॉन्क्स में मिलते हैं, लेकिन ब्रेजा में ये चीज़ नहीं मिलेगी। लेकिन ब्रेजा में जो है रियर एसी वेंट आपको जो है दे दिया जाता है, तो ये चीज आपकी जो है ब्रेजा में देखने को मिल जा रही है। अब मेरे ख्याल से फीचर्स का आपको ऑलमोस्ट फटाफट से जो है पता लग गया होगा, क्योंकि ज्यादा लंबी वीडियो नहीं करनी है। अब इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे हम इंजन की। तो जैसा कि फ्रॉन्क्स में जो इंजन है बेस वेरिएंट में सिर्फ आपको 1.2 लीटर का डुअल जेट 4 सिलेंडर वाला पेट्रोल इंजन मिलेगा, वही 1200 सीसी का। अगर बात की जाए पावर की, 89 पीएस की 113 न्यूटन मीटर टॉर्क के संग ये जनरेट करेगा फ्रॉन्क्स में। और फ्रॉन्क्स में माइलेज मान के चलिए वैसे तो 21-22 का वैसे बताते हैं, लेकिन 20 का आराम से आपको ऑन हाईवे मिल सकता है। लेकिन अगर ब्रेजा के पावर की बात करते हैं तो ब्रेजा का इंजन थोड़ा सा हैवी है, 1500 सीसी के आसपास यहाँ पे रहता है स्मार्ट हाइब्रिड इंजन, जो कि 102 पीएस की पावर जो है 137 न्यूटन मीटर टॉर्क के संग जनरेट करता है। तो थोड़ी पावरफुल इंजन के उससे जो है ब्रेजा रहती है, तो माइलेज तो नहीं जो है कंपेयर टू फ्रॉन्क्स वाला दे पाएगी। लगभग ब्रेजा का ऑन हाईवे मान के चलिए 16 से 18 के बीच में आपको जो है 18-19 के आसपास जो है बीच देखने को मिल सकता है, लेकिन जो है थोड़ी पावरफुल कंपेयर टू जो है फ्रॉन्क्स के जो है ब्रेजा रहेगी। तो अब मेरे ख्याल से अब आपको पता लग गया होगा जो 82,000 रुपये महंगी है ब्रेजा, ब्रेजा में कौन कौन से फीचर्स ज़्यादा हैं, साइज में बड़ी है, साथ ही साथ सेफ्टी रेटिंग थोड़ी अच्छी मिली हुई है उसे, पावरफुल भी है। लेकिन फ्रॉन्क्स की अगर बात करते हैं तो 82,000 रुपये सस्ती है, लेकिन फिर भी फ्रॉन्क्स समझ में आ रही है। फ्यूल एफिशिएंट गाड़ी चाहिए तो फ्रॉन्क्स की ओर आप जा सकते हैं, लेकिन ब्रेजा के अगर आप प्लान बना रखा है तो ब्रेजा का LXi भी ले सकते हैं अगर टाइम पे मिल जा रहा है तो। यही थी आज की वीडियो, मिलते हैं एक और ऐसी नई वीडियो के साथ में।